समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बुधवार सुबह अपने एक ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा कि उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वह हाल में उनसे मिले लोगों से अपील करते हैं कि वो अपनी जांच करा लें। अखिलेश यादव ने कहा कि वो फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं और डॉक्टर्स उनकी सेहत की निगरानी कर रहे हैं। बता दें कि अखिलेश यादव हाल ही में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के चीफ महंत नरेंद्र गिरी से हरिद्वार के कुंभ मेले में मिले थे। महंत नरेंद्र गिरी की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी अपनी कोरोना जांच कराई थी। अब उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और अखिलेश यादव फिलहाल होम आइसोलेशन में है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सीएम योगी बंगाल चुनाव के प्रचार अभियान में जुटे थे, लेकिन दो दिन पहले ही उनके दफ्तर के तमाम अधिकारी कोरोना पॉजिटिव मिले। सीएम योगी के साथ काम करने वाले अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल, सीएम योगी के ओएसडी अभिषेक कौशिक और उनके सेक्रेटरी अमित सिंह भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। ये सभी अधिकारी सीएम योगी के संपर्क में आए थे, जिसके बाद सीएम ने खुद को आइसोलेट कर लिया और अब वो सारे काम वर्चुअल तरीके से कर रहे हैं, जिसमें चुनाव का अभियान भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि राज्य में लॉकडाउन क्यों न लगा दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि जब आदमी ही नहीं होंगे तो विकास का क्या अर्थ रह जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि संक्रमण को एक साल बीत रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इलाज की व्यवस्थाएं नहीं बढ़ पाई। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण अब विकराल रूप ले चुका है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश में 18,021 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जो प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटे के दौरान 85 कोविड मरीजों की मौत भी हुई है। राज्य में इस समय 95,980 पॉजिटिव केस हैं। वहीं अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिक मामले लखनऊ शहर में हैं। सारे देश में महाराष्ट्र के बाद कोरोना के रोज बढ़ते मामलों में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन कन्फर्म हो रहे केसों की संख्या भी बीते एक सप्ताह में 204% बढ़ी। लखनऊ में हर दिन मिल रहे मामलों की समीक्षा करने पर पता चलता है कि लखनऊ में बीते सप्ताह में 350% कोरोना मरीज ज़्यादा मिले हैं, जिसने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी की कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसे मस्जिद पक्ष की ओर से चुनौती दी गई। ज्ञानवापी मस्जिद की ओर से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इस मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट में दायर इस याचिका में 8 अप्रैल को वाराणसी की सिविल कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। मस्जिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन ने बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जल्दबाजी और दबाव में पुरातात्विक सर्वेक्षण के आदेश दिए हैं। कोर्ट का ये फैसला केंद्र सरकार के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है और इसे इसी आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।